मध्य प्रदेश के रीवा जिला से एक ऐसा मामला सामने आबा है जहां एक बिटिया विद्यालय के छात्र छात्रन का ही बहुत दिना से प्रताड़ित कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोनो मेर के प्रशासनिक अधिकारी कोनो मेर के कार्रवाई नहीं करी। अपने बता दें कि पूरा मामला रीवा जिला के हनुमाना माही शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जहां पर राधा जायसवाल नाम की बिटिया स्कूल माय के खुद का ही अतिथि शिक्षक बताए के बच्चन का पढ़ावे लगती हैं और बच्चन के साथ मारपीट जैसन घटनाओं का अंजाम देती हैं। मारपीट माही कई एक लड़का घायल हो चुके वहाँ जब ये बारे माही शिक्षक और वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत किए गए तब तो वरिष्ठ अधिकारी अपन पल्ला झाड़त खा लहमा बतावा यह जान लहा कि राधा जायसवाल मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं जोने के कारण वो अपने आप का शिक्षक मनती हैं और स्कूल में जाए के छात्र छात्रा के साथ मारपीट के घटना का अंजाम देती हैं। शिक्षकों के साथ बच्चों के साथ में मारपीट क्यों कर रहे हो? आप जैसे चार बड़े अधिकारी सर बुलाइए, कलेक्टर सर कह दें मैं मारपीट कर रही हूँ। तो बच्चों की चोट, ये चोट कैसे लगी है? ये शिक्षा, ये गंदा काम। क्या गंदा काम? शिक्षक का काम है गंदा। क्या बोलते? हाँ बताइए। हमारा काम बच्चों का यही है सिखाने का, सभ्यता। नहीं आ रही है, 2 साल का इसका वेतन दिया गया नाम की सुरक्षित। हम बोलते हैं कि आप दे देंगे इसका वेतन, मास्टर लोग कहे इसका वेतन दे दो। प्रिंसिपल साहब बताइए क्या है इसका वेतन, क्या इसमें कुछ नहीं बोलते हैं? किस चीज में रखा है? रखा गया था किस साल रखा? 2016 कब तक आपको रखा? कब तक रखे थे आप? वही कब से आगे रखे रहे होंगे आपको पता है? 16 कहीं पर उसका जो रखने का नहीं सर, देखिए अपना काम था, प्रिंसिपल जैसा काम था अपना, साइन ऑन कहीं कुछ नहीं। आज विद्यालय में मार ये पहली बार नहीं है, हमेशा करती है, पर डे करती है। हम जब से 2018 से यहाँ पर आए हैं तब से अनवरत अतिक्रमण करके बिल्कुल जाती है, लड़कों से मारपीट करती है, दांत काटती है। यहाँ तक कि एक सुनैना मैडम है, एक दिन तो क्या किया, बाल पकड़ करके घसीटी भी है और आए दिन बच्चों को दांत काटती है और मारती है। मतलब कहते हैं कि हमको ना पढ़ाओ, जबरदस्ती घुस जाती है मास्टरों के, मतलब पकड़ करके हाथ हटा देती है कि मैं पढ़ाऊंगी। इस तरह से पर डे उसका काम है। राधा का कहना ये भी है कि हमको अतिथि में मेरी नियुक्ति की, कभी रखा ही नहीं गया था उसको, कभी नहीं रखा गया है अतिथि शिक्षक के रूप में। और वो 4 साल का पेमेंट मांगने के लिए विद्यालय जाती है? नहीं, अनावश्यक कोई भी यहाँ हनुमाना का पागल आकर के कह दे कि हम आते हैं विद्यालय में आपके और वेतन दे तो क्या करेंगे हम। साल से तो मैं हनुमाना में पदस्थ हूँ, मैं 2-1 बार यहाँ आया विद्यालय में, जब आने का हमको आवश्यकता पड़ी तो यहीं पर विद्यालय के परिसर के अंदर ही वो बल्कि ये बताई कि उसका वेतन नहीं दिया जा रहा। तो मैंने प्राचार्य से इस विषय में बात किया तो प्राचार्य का ये कहना पड़ा कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं की गई है, इसलिए उसको वेतन का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए, उसमें किस बात का वेतन दिया जा सकता है उसको। जांच करने में ये भी इन लोगों ने बताया कि पूर्व में जो प्राचार्य थे 15 में या 16 में, महान सम्राट अशोक के तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कराए और औरंगजेब के नाई भ्रष्ट शासक बतावे के मेर के टिप्पणी करे के विरोध माही महान सम्राट अशोक सेना इकाई रीवा के लोग दया प्रकाश सिन्हा के पुतला फूके। अपना बताए दे के एक पत्रिका के साप्ताहिक इंटरव्यू माही दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक का मुगल शासक औरंगजेब से तुलना कई दिन जोने माही सम्राट अशोक का औरंगजेब के नाई भ्रष्ट बताए। वहाँ रीवा इकाई इनके विरोध में ही पुतला का दहन करें और साथ है मुकदमा दायर करके गिरफ्तार करे के मांग के साथ राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपी ही बे। साथ ही यह कहें कि सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता ही और उन्हीं के प्रयास से सलगा विश्व भारत का बुद्ध के धरती के नाम से जाना था बे और उनका सम्मान करत है। आज पुतला दहन किए हैं क्या, किनका पुतला दहन किया गया? आज जिस प्रकार हमारे महापुरुष सम्राट महान अशोक जो जिन्होंने भारत अखंड भारत की स्थापना की थी, जिन्होंने हमने किताबों पढ़ा था, ऐसे महान सम्राट जिनकी भारत के तिरंगे में उनकी स्तंभ चिन्ह
नोटों में पाई जाती है। ऐसे महापुरुष का अपमान, एक दया प्रकाश सिन्हा जैसे दो टके के लोग अपमान करेंगे, किसी अपमान के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। दया प्रकाश सिन्हा ने जो महान सम्राट अशोक के बारे में उसकी तुलना उन्होंने आदेश धारण की उसके कर दी, ये उन्हीं खिलाफ अनुरोध कार्रवाई करने की मांग की है और इसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से सामाजिक सौहार्द लड़ने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र प्रदेश और जिला भर में धान खरीदी केंद्र में होने वाले भ्रष्टाचार कलई के पूर्व विधायक अश्मर तिवारी खुटे ही माही प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन करी, जोने में कहिन के पूरे प्रदेश माही व्यापक स्तर में धान खरीदी केंद्र में घोटाला किन जा रहा है, जोने माही समिति के प्रबंधक और धान केंद्र प्रभारी के साथ है साथ स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत हबे। अपना बतायू यह कहिन के इटहा लक्ष्मणपुर नया गांव खरीदी केंद्र में ही 1250 बोरी धान भंडारण खातिर भेजी गई रही, जोने में पुरानी धान लौट रही है। पीटीएस चौराहा में ही जो गोदाम बना है वहां लाई गए, पर जिला स्तर के अधिकारी के मिली भगत के कारण ट्रकन का ही खाली कराए के बिना कार्रवाई के छोड़ दीनगा। साथ ही यह कहिन के जहां वाहिद खान का ही 8 धान खरीदी केंद्र के जिम्मेदारी दीन गई ही, वहीं समिति प्रबंधन के लगे एक खरीदी केंद्र नहीं आई। हालत यह है कि समिति के जो प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक और ये तमाम मिलके इतना लंबा घोटाला कर रहे हैं और अब तो सुनने में आ रहा है कि वही जो पुराने लोग थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैं मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को लेकर रहा हूँ। यहाँ कोई एक आशिक खान जी हैं और यहाँ संजय सिंह, इनका मिलके मिला घुला घोटाला करके एक लंबा गेम कर रहे हैं जिसको आपके संज्ञान में लाया हूं और ये मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर लंबा चौड़ा मैं माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं, मैं माननीय तमाम जितने पीएस को उनको भी पत्र लिख रहा हूं। ये तमाम इतना लिखने के बाद भी, ये तमाम इस तरह से पूरे आधा आधा पन्ना लिखने के बाद भी अखबारों में, इसमें संज्ञान में लेने के बाद भी कलेक्टर को पता नहीं कैसे क्या बताया जा रहा है। और कलेक्टर महोदय को मैं ये मांग कर रहा हूं कि आपकी स्वच्छ छवि है, आप अच्छा काम कर रहे हैं जो जनता की आवाज है। अपने रीवा में ही कोरोना मरीज के बढ़त संख्या का देख के NSUI के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा के विरोध करें, सैकड़न के संख्या में छात्र एकत्र हो के विश्वविद्यालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दी। 17 जनवरी का होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का ऑनलाइन करावे के मांग करें। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन के यह कहा है कि जब राज्य सरकार निर्णय बदली तो परीक्षाओं ऑनलाइन करावा जाए, यह निर्णय राज्य सरकार के आए और अब तक राज्य सरकार के तरफ से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करावे के निर्देश नहीं दिन गए हैं, जोड़े के चलते विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षण की तैयारी कर रही है। आई सुनाए थे NSUI के पदाधिकारी और विश्वविद्यालय प्रबंधन के का कहा है। लगातार हफ्ते भर से छात्र और छात्र नेता NSUI के साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हर एक NSUI के साथी, हर एक छात्र अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यमंत्री के और मंत्री के आदेश को ताके बैठे हुआ है। हम नहीं चाहते कि छात्रों का संक्रमण हो, इसलिए परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम से कराई जाए, लेकिन चूंकि ये नीतिगत निर्णय है इसका निर्णय शासन स्तर पर होना है, क्योंकि अभी तक शासन का निर्देश है ऑफलाइन परीक्षा कराने का, इसलिए विश्वविद्यालय अपनी तैयारी है कर रहा है। बुलेटिन की अगली खबर रही सतना जिले से, जहां रामपुर बघेलान माही सीनियर अनुसूचित बालक छात्रावास छिबौरा माही छात्रावास के छात्रन से शौचालय के साथ है पूरे छात्रावास के साफ सफाई कराई जाती है। अपना बताए रही कि छात्रावास के अधीक्षक MK कुंभकार छात्रन का ही डराए धमकाए के चौकीदारे के खिलाफ उल्टा शिकायत पत्र लिखवाई, जोने के जानकारी छात्रन सहित चौकीदारों दिहिन। जब सरकार छात्रवासन में ही हरमेर के सुविधा उपलब्ध कराए रही है, सरकारी बजट आ रहा है, तो फिर अधीक्षक सफाई कर्मी काहे नहीं रख सका। यहाँ परेशानी है कि वो मुकेश भैया जो हैं तो मतलब कि वो सर बोले अधीक्षक सर कि यहाँ दारू पी के हल्ला करते हैं, यहाँ मतलब स्टूडेंटों को परेशान करते हैं। समस्या है आपको? यहाँ की समस्या ये थी कि सर वो पानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए भैया जी हम लोगों को बहुत साथ दे रहे थे और इसमें खाना होना बहुत गंदा बनता है, मतलब जो गेहूं से रहता है सड़ा घुना घुना देते हैं सर, और गेहूं भी बहुत घुना रहता है।
आप लोगों को? यही पानी में समस्या थी तो अब नहीं है, और यही खाना पीने की पहले थी अब नहीं है। क्या परेशानी पड़ रही थी आप लोग? क्यों बाहर निकाल दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया था। क्या समस्या है आपको? सर जी, यहाँ पिछले 14 महीने से पानी नहीं संस्था में, ट्यूबवेल सूखा हुआ था और बच्चे भी रहते हैं 50%, तो पानी की भयंकर समस्या सर जी। मैं आए दिन अगल बगल से या गांव से पानी से किराए से लेता था, खरीद के लेता था, और समय से उस पानी का भुगतान ना होने के कारण वो गांव वाले मेले को गाली गलौज भी करते थे, क्योंकि मैं पानी खरीद के लेता था और समय से पैसा नहीं पाते थे पानी का, तो मेरे से बहस करते थे। बुलेटिन की अगली खबर सतना से रही, जहाँ के इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज के पास लागे वाले चाट फूल की ठेला और बेतरतीब ढंग से खड़ी ऑटो के साथ है। कॉलेज के पास खड़े मजनून के ऊपर पुलिस डंडा बरसाए के कार्रवाई करे। अपने बताइए कि मंगलवार का ही CSP महेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में ही पुलिस की टीम अचानक गर्ल्स कॉलेज के सामने पहुंची, जहां दिखिन के बाहर चाट फुल्की के ठेलन के आसपास बिना कोनो कामई के युवक खड़े हवा, जोने के बाद पुलिस डंडा बरसाए के उनका वहां से भगाई। साथ है पुलिस की टीम कॉलेज के पास बेतरतीब ढंग से खड़ी ऑटो चालक का वहाँ से दफा कराई। उहे ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती मंजूषा शाह के नेतृत्व में ही नारी सम्मान के रक्षा के लाने जावेद हबीब के पुतला दहन कीनगा। अपने बताए दई कि जावेद हबीब कुछ समय पहले नारी शक्ति के अपमान कई के महिला के सिर में थूक लगाए, जो उनके बेहद शर्मसार करे वाली घटना रही। पुतला दहन किया है ये जावेद हबीब ने, एक बहुत शर्मनाक हरकत की है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक सेमिनार के अंतर्गत, जावेद हबीब का नाम आप सभी जानते होंगे, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं मंजूषा शाह सतना ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ पूरी टीम आई हुई है। जी भैया, जावेद हबीब का जो कृत्य है वो बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है, जो इसने घटना की है। हमारे भारत में नारी जाति को बड़े सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। बुलेटिन के अंत में ही मानवता का सर्वसार करने वाली घटना सामने आई रीवा के समान तिराहा से, जहां कमलेश रावत नाम के युवक गाय और बछिया के साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य कराई के वारदात करें। अपना बताई दी कि युवक के खिलाफ धारा 377 IPC के तहत अपराध का पंजीबद्ध किया है और आरोपी का मेडिकल का भेजा गया है। वहां समान थाना प्रभारी बताएं कि आरोपी सीधी जिला के रहने वाला है, जो उनके वर्तमान माही SK टावर के लगे किराए के मकान में रह रहा। सामने देख। समान तिराहे के पास कमलेश रावत नाम का व्यक्ति गाय बछिया के साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किया है, जिस पर से उसके विरुद्ध धारा 377 IPC तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को राउंड अप करके मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। तो भैया बहनी, आज के बुलेटिन में तने बघेली में खबर देखे के लाने, देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार। साथ है हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर अपना भूली। नमस्कार।